विगत 6 माह पूर्व पिपला मंडी फाटक मोहल्ले निवासी एक नाबालिग युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि घर के पास में रहने वाला युवक मुझे करीब 6 महीनों से परेशान करने के साथ ही शादी करने के लिए दबाव बना रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के साथ 11-12 पास्को एक्ट में अपराध पंजीबद्ध भी किया गया था। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार फरियादियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुविभाग मलारगढ़ के कार्यालय पर उपस्थित होकर अपने साथ बलात्कार होने संबंधित आवेदन दिया। उक्त आवेदन की जाँच उप निरीक्षक जया भारद्वाज द्वारा कराई जाकर पृथक से कथन लेख कर अपराध में 376(2)(506)(5L)(6)(PAKSO Act) की धारा को इजाफा किया गया है। अपराध सदर के आरोपी पिंटू उर्फ नरेंद्र पिता भेरूलाल दमामी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार हर संभावित स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाकर गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए गए। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा फरार आरोपी नरेंद्र उर्फ पिंटू के विरुद्ध आदेश क्रमांक पूमंद DCRB 201/2022 दिनांक 5/5/2022 के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस ने अब गिरफ्तारी के प्रयास और तेज करते हुए आरोपी के घर सहित नगर परिषद में संपत्ति कुर्की के भी नोटिस चस्पा किए हैं। थाना पिपलिया मंडी के अपराध क्रमांक 13/22 में आरोपी नरेंद्र उर्फ पिंटू दमामी करीबन 6 महीने से फरार था, जिसकी पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी और हर संभावित स्थानों पे उसकी दबिश भी दी गई, लेकिन वो नहीं मिला था। इस संबंध में उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 का इनाम भी उसके लिए घोषित किया, उसके बाद भी वो फरार है। बाद में माननीय न्यायालय में हमारे द्वारा निवेदन, थाना पिपली मंडी द्वारा निवेदन किया, आवेदन दिया गया था, जिसपे से 73 CRPC का वारंट आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निकाला गया था, जिसको तब भी वो नहीं आया और पुलिस द्वारा तलाश करते फरार पाया गया। बाद माननीय न्यायालय द्वारा 82 CRPC के अंतर्गत लिखित उद्घोषणा आरोपी को पेश होने के संबंध में निकाली है। अगर 14-10 तक वो नहीं आता है तो उसके बाद 83 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी माननीय न्यायालय द्वारा। इस संबंध में जो चस्पा आदेश आया था वो उनके मकान पे, आरोपी के मकान पे जाकर चस्पा किया गया है। ये माननीय न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने हेतु ही 82 और 83 की कार्रवाई उसकी कुर्की संपत्ति कुर्की के संबंध की जा रही है और आरोपी धारा 354 और 376 में ही फरार है, जिसकी घटना दिनांक से ही तलाश की जा रही है। तकरीबन 6 महीने से फरार है और पुलिस ने उसके हर संभावित स्थान, उनके रिश्तेदार, उनके घरों पर जहां जहां मिलने की उसकी संभावना थी, उन सब स्थानों पर तलाश की है, लेकिन वो नहीं मिला है।